आपकी गिरफ्तारी की गई थी उसके बाद आपको कहाँ रखा गया और आपकी रिहाई कब हुई? मेरी जो रिहाई है आज सुबह 11 बजे मेरे को छोड़ा गया है और मेरे को डबवाली जो महिला थाना है उसके अंदर रखा गया था। हाँ जी, काफ़ी सवाल है मैम कि सिरसा में आपकी गिरफ्तारी होती है तो सिरसा का आपका क्या प्लान था? देखिए, मेरा जो प्लान था जी, क्योंकि मैंने पोस्टर वगैरह लगवाने थे तो उससे पहले मैं जैसे भी है भी 3-4 बजे का प्रोग्राम है सीएम का, तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम सबसे पहले जो पोस्टर हैं वो लगवाने का काम करें। तो मैं जब पोस्टर लगवाने के लिए निकलती हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे घर में सुबह पहले 6 बजे पुलिस आ जाती है, उसके बाद में मेरे को पता लगता है क्योंकि मैं रात को जैसे घर पर नहीं थी, मैं बाहर ही थी, तो उसके बाद में मेरे को पता लगा जब भी पुलिस आ चुकी है तो ये देखने को आया कि पुलिस बल भी बहुत ज़्यादा तैनात था। जब मैं निजिया से होके वहाँ आगे निकलती हूँ तो मेरे पीछे पुलिस लग जाती है और आगे फिर मेरे को रोका जाता है गोल्डी की जाके। तो देखिए, सरकार है एक संतोष बेनीवाल जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए, आम जन की आवाज़ उठाने के लिए, बात करने के लिए भी तैयार थी, तो भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है और जो हमारी बातें हैं उनको दबाया गया है, ये सामने सबने देखा होगा। एकमन किसान आंदोलन में आपका भरपूर योगदान था और कल मुआवजा है वो किसानों को मिल चुका है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो आज भी यही बात कहती हूँ और आगे भी यही बात करती हूँ। देखिए, एकता में बल होता है। जो हमारे किसान भाइयों ने, सरपंचों ने साथ दिया, सबने एक साथ इकट्ठा होकर जो ये लड़ाई लड़ी है, सारे बधाई के पात्र हैं और सभी को मैं बधाई भी देती हूँ। और ये सबसे बड़ी जीत है हमारी कि जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट का है जो बीमा क्लेम है वो सरकार ने जारी किया है, क्योंकि जो किसानों ने है ना सरकार की नाक में दम कर दिया तो सरकार ने बीमा दिया है। अभी तक पूरा बीमा क्लेम तो जारी नहीं किया क्योंकि ये एक सोची समझी चाल है इनकी, कि क्योंकि सीएम साहब को सिरसा के अंदर आना था तो इन्होंने जो किसान भाई है कि किसी तरह विरोध ना करें, किसानों को किसी तरह रोका जाए, तो ये ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात करी है। और कोई ये ऐसे बीमा सारा देने वाले हैं तो मैं कहती हूँ सारा बीमा जो क्लेम है वो जल्दी जारी कीजिए। काफ़ी सरपंच जो हमारे जिला प्रधान भी थे, जसकरण कंग भी था, सुभाष कासनिया भी थे, मांगेराम भी था और भी कई सरपंच थे, तो इसमें हमारे सरपंच भाइयों की भी एलनाबाद हल्के से, रानिया से जो भी ब्लॉक था सभी के, काफ़ी जो सरपंच हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और कुछ एक आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उनको भी गिरफ्तार किया है। देखिए, कोई यही बात है ना, बात पहले भी थी और आज भी वही काम किया इस सरकार ने कि जो बातें उठी, आवाज़ उठी, उनको दबाने का काम किया। पर मैं आपके माध्यम से सरकार को एक चेतावनी जरूर देना चाहती हूँ कि किसी तरह जो आज ये हमारी जो आवाज़ उठती है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। जितनी आप दबाओगे उसी हिसाब से चिंगारी के रूप में आप दबा रहे हो, हम बारूद के रूप में फिर आपके सामने आएंगे और किसी कोई भी हद है आपकी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे।